नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर साह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे खान एकेडमी के बारे में और स्पेसिफिकली बात करेंगे कि यहाँ पर कैसे हम वर्क फ्रॉम होम से घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन ट्यूटोरिंग करके पैसे कमा सकते हैं। खान एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो मैं कहूँगा कि वर्ल्ड की नंबर वन लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर फ्री है, यानी कि फ्री में आप यहां से पढ़ाई कर सकते हो। तो ना ही सिर्फ यहां पर ट्यूटर बनना है बट यहां से आपको अगर पढ़ाई भी करनी है तो पढ़ाई भी कर सकते हो। और आपको मैं बता दूं कि ये 2 बरस के बच्चों से लेके जितनी भी आप सोच सकते हैं, शायद सभी की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लो या फिर आप पूरा का पूरा सिलेबस ले लो, वो यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। या तो अभी करवा रहे हैं या तो इन फ्यूचर ये इतना एक्सपांड हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है। तो जैसे ही मैंने बताया कि ये लोग पढ़ाते हैं फ्रॉम सेकंड ईयर ऑफ द चाइल्ड टिल द ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो इनकी वैकेंसी भी उसी तरीके से रहेगी, वो सभी कोर्सेज के लिए वैकेंसी रहेगी। चलिए पहले कोर्सेज देख लेते हैं। तो ये देखिए, सारे कोर्सेज शायद यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर मेरा फेस आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए नीचे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको। ऊपर इकोनॉमिक्स है और नीचे यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, गेट स्टार्टेड विद खान एकेडमी। ओके, खान एकेडमी फॉर एजुकेटर्स। ओके, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। खान एकेडमी फॉर एजुकेटर्स पे आप जाके डायरेक्टली न्यू टैब में इसको ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दो एग्जामिनेशन, दो कंटेंट लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट यूनिट, 2 यूनिट की एग्जामिनेशन रहेगी। पूरा यहाँ पर प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्लियर करके उसमें भी आपको 80% मार्क आएंगे तब जाके आप खान एजुकेटर बन सकते हैं। सो दैट इज द रियल इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर। ओके, तो खान एजुकेटर कैसे बनना है वो तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दी। मेरा ऑब्जेक्टिव अभी ये नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये सारी चीज भी नहीं करनी है आपको। आपको इंडिविजुअली एक कंटेंट क्रिएट करना है या फिर पढ़ाना है। तो क्या ये जॉब देते हैं? तो हाँ, ये जॉब देते हैं। कहाँ से दिखेगी हमें जॉब, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ khanacademy.org वेबसाइट पे और मैं कोर्सेज को बंद कर देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाएंगे। सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक तो है इंटर्नशिप का और दूसरा है कैरियर्स का। इंटर्नशिप यानी पढ़ते पढ़ते अगर आपको जॉब चाहिए तो इंटर्नशिप पे जाना है। यहाँ वहां पर आपको सिखाया भी जाएगा और साथ में आपको जॉब भी करनी है। फिलहाल मैं यहाँ पर कैरियर ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। तो कैरियर ऑप्शन में जाके हम देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी अभी यहाँ पर अवेलेबल है जो हम कर सकते हैं। तो मैंने कैरियर ऑप्शन पे क्लिक किया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज होती है, समय समय पे ये वैकेंसीज आती रहती है, तो हमें बार बार इसको देखना पड़ेगा, बार बार इससे हमें रिवाइज करते रहना है ताकि हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सके। ओके, तो मैंने जैसे ही करियर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली टीचर्स की जो जो भी पोस्ट रहेगी वो दिखेगी कहाँ पर। देखिए खान एकेडमी इंडिया करके यहाँ पर एक टैब है, खान एकेडमी इंडिया करके एक टैब है, वहां पर देखिए आप तो कौन सा चीजें हैं। हेड ऑफ कंटेंट, वहां पर तो बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होगा। फिजिक्स कंटेंट क्रिएटर, ये चीज हम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज भी आती रहेगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या ये चीज मांगते हैं। अगर कुछ भी आई, सपोज सेकंड स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए आई, 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए इन फ्यूचर आई, तो इसके अंदर मांगते क्या है ये तो पता होना चाहिए। चलिए हम फिजिक्स कंटेंट क्रिएटर पर क्लिक करते हैं कि ये लोग किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। तो अबाउट खान एकेडमी लिखा होगा सबसे पहले, फिर है अबाउट इंडियन कंटेंट टीम के बारे में लिखा होगा, अबाउट द रोल लिखा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सामने डिफाइन की गई है, यू नीड आपके पास क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें एक लिखी हुई है। फॉर्मली आपको CBSE और NCERT का करिकुलम आपको पता होना चाहिए, ये चीज लिखी हुई है। मैं ये चीज सारी पढ़ चुका हूँ, अभी आपको सिर्फ मुझे क्रक्स बताना है, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जो ज्यादा बात आपको समझने की जरूरत नहीं है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो सिर्फ क्या समझने जैसा है, पर्क्स एंड बेनिफिट्स, आपको सैलरीज दी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए कॉम्पिटिटिव सैलरी, यानी अगर आप फ्रेशर्स हैं
तो आपको उस तरीके से सैलरी दी जाएगी। अगर आप लोग कुछ ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदे हैं तो अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सैलरी यहाँ पर मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सिंपल है, इन्होंने कॉम्पिटिटिव सैलरीज लिखी है, यानी कि अगर आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो भी मिल रहा है उससे ज्यादा यहाँ पर सैलरी मिलेगी, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा देखने वाला एकेडमी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वीडियोस देखे जाते हैं डेली बेसिस पे। ओके, चले बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, अटैच योर रिज्यूमे इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। रिज्यूमे कैसे बनाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको रिज्यूम अटैच करना पड़ेगा। नीचे जो स्पेस दी गई है कहाँ पर अटैच करना है, मैं दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और यहाँ पर अटैच करना है रिज्यूम। आपको रिज्यूम कैसे बनाना है उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप देख लीजिए कि रिज्यूम किसे अच्छी तरीके से एक ही पेज में बनाते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज एड्रेस द बिलो मेंशन टास्क एंड अटैच योर रिस्पॉन्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। यानी कि यहाँ पर नीचे एक टास्क लिखा हुआ है उसको कीजिए और उसका आंसर वीडियो के फॉर्म में बना के उसको भी अटैच कीजिए। ये हुई ना कुछ इंटरेस्टिंग बात। तो क्या टास्क है, कॉन्सेप्ट आपको समझाना है दो चीज के। एक तो है गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये फिजिक्स का कंटेंट क्रिएटर है तो फिजिक्स के लिए फिजिक्स के यहाँ पर लॉ लिखे गए हैं। अगर यहाँ पर मैथ्स होता तो मैथ्स के लिए लिखा होता, अगर यहाँ पर हिंदी होती तो हिंदी के समास आपको दो एग्जाम्पल बना के रखने होते हैं। ओके, और दूसरा है एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये आपको समझाना है बच्चों को। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गाइड टू राइटिंग द क्वेश्चन, कैसे आपको लिखना है, राइटिंग कैसे करनी है। तो ये 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को समझ में आ जाए उस तरीके से लिखना है। साथ में आपको एमसीक्यूज बनाना है इस दो लो पे, और वो एमसीक्यूज को पूरा डिस्क्राइब करना है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन अगर सही है तो सही क्यों है और बाकी के तीन गलत क्यों है, वो सारी चीजें आपको बतानी है। और आप जो भी आंसर देंगे वो आपको 400 कैरेक्टर्स में कंप्लीट कर देना है, 400 कैरेक्टर्स में ही कंप्लीट कर देना है, 400 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, और फ्रेंडली टोन में बताना है, यानी कि बहुत फॉर्मल नहीं हो जानी है। बार बार हम जैसे टर्म यूज करते हैं ना, एंट्रोपी, द गॉस एलिमिनेशन मेथड, और जैसे भी हम टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में बोलिए। एंट्रोपी यानी अगर कोई किसी भी चीज का जन्म हुआ है तो उसका नाश होने वाला है, इट्स रैंडमनेस, इट्स डिसऑर्डरनेस, तो उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। इस तरीके से आपको बतानी है ये सारी चीज है। बस फ्रेंड्स, उसके दो वीडियो बना के उसको भी नीचे अप्लाई फॉर दिस जॉब में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और कवर लेटर के साथ आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। जैसे ही आप अटैच करेंगे, यहाँ पर रिज्यूम है, यहाँ पर कवर लेटर है, और लास्ट में जो आपने वीडियोस बनाए उसको आपको यहाँ पर अटैच फाइल में अटैच कर देना है। तो समझने की बात यहाँ पर क्या है, समझने की बात यहाँ पर ये है कि आपको दो वीडियोस बनाने रहेंगे खान अकेडमी पे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस यहाँ पर सबमिट बटन दबाना है लास्ट में, वो तो सभी लोग जानते ही होंगे। तो आई थिंक कि आपको ये भी एक वीडियो एक सीरीज में अच्छा लगा है। आज हम 20 वीडियो तक पहुंच चुके हैं, 20 प्लेटफॉर्म पे मैंने ये जानकारी दी है। तो अगर आपको नहीं पता है कौन से 19 प्लेटफॉर्म और है जहां पर आप पढ़ा के रुपये कमा सकते हैं, तो प्लीज आप नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।